पहले जो हम लोगों के साथ थे इनको उस समय अपराधी कहते थे, जब बाहर आए तो मुख्यमंत्री सीएम आवास मुख्यमंत्री से मिलने गए। पूरी तरीके से बिहार में कोई ऐसा जिला नहीं, कोई ऐसा दिन नहीं जहां मर्डर, लूट, हत्या, रेप, किडनैपिंग, डकैती, ये एक ऐसा दिन नहीं है जहां बैंक की लूट नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री इधर उधर करते हैं, अपने मस्त रहते फिर पस्त हो जाते हैं। तो भी जाए भाई, मुख्यमंत्री है, जहाँ हत्या हो रही है वहाँ तो मुख्यमंत्री कहीं नहीं जाते। यही ना हम लोग कह रहे कि भाई ये तो संरक्षण दिया जा रहा है ना, बिहार में अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है और पूरी तरीके से अपराधी जो है मस्त हो गया। ने कहा है कि यात्रा पर घूमिए लेकिन मिलेगा ही लड्डू, सिर्फ लड्डू मिलेगा। ये बात, ये कार्यकर्ता संवाद है ना। अब फल देने वाले वो तो है नहीं, फल देने वाले तो जनता होती है और क्या अपेक्षा की जाए। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अभी अभी दिल्ली से पटना पहुंचे हैं और पटना पहुंचते ही कई सवाल खड़े हो रहे थे, उस पर उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया है। देखिए, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक दूसरे से मुलाकात किए थे, उसके बाद चर्चाएं तेज हो गई थी कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे, नीतीश कुमार फिर से तेजस्वी यादव के साथ आएंगे, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बिहार में एक बार फिर से सरकार बनाएंगे और बिहार में महागठबंधन की सरकार हो जाएगी। अब ये तमाम सवाल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से पूछा गया है। देखिए, तेजस्वी यादव तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि दो बार आए थे, हम लोगों ने रख लिया, पर आनंद सिंह को रिहाई मिल गई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिलने पहुंचे थे। अब जो सीएम नीतीश हैं वो मोकामा गए, आनंद सिंह से भी मुलाकात किए, पर तमाम सवाल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से पूछा गया। किस तरीके से तेजस्वी यादव तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं, पर क्या नीतीश कुमार फिर से आ जाएंगे, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से साथ आना चाहते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जो जवाब दिए हैं उसमें कई सारे सवाल भी खड़े होने लगे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव का कहना है कि दो बार हम लोगों ने रख लिया है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या कुछ करें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। लगातार जो है बिहार में अपराध बढ़ रहा है और माननीय नीतीश कुमार जी से लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं रह गया। माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार इधर उधर करते हैं और अगर आप देखें तो ना ही वो कोई जनप्रतिनिधि से मिलते हैं, ना ही जनता से बात करते हैं और पूरी तरीके से जो है अधिकारियों के बीच में रहते हैं और उनको कोई खबर नहीं रहता। तो बड़ा दुखद है, लगातार जिस हिसाब से बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेकार होती जा रही है, लोग घर में घुस के गोली मार रहे हैं, ये स्थिति बनी हुई है। आप देखिएगा कि पहले जो हम लोगों के साथ थे इनको उस समय अपराधी कहते थे, जब बाहर आए तो मुख्यमंत्री सीएम आवास मुख्यमंत्री से मिलने गए। उनके साथ कितने लोग गए थे, जो लोग पुलिस के हत्यारे लोग थे, जो सीएम हाउस घुसे हुए थे। तो ये तो स्थिति बनी हुई है। पूरी तरीके से बिहार में कोई ऐसा जिला नहीं, कोई ऐसा दिन नहीं जहां मर्डर, लूट, हत्या, रेप, किडनैपिंग, डकैती, ये एक ऐसा दिन नहीं है जहां बैंक की लूट नहीं हो रही है। सरकार खामोश है, मुख्यमंत्री इधर उधर करते हैं, अपने मस्त रहते फिर पस्त हो जाते हैं। तो कम से कम कहीं भी जाए भाई, मुख्यमंत्री है, जहाँ हत्या हो रही है वहां तो मुख्यमंत्री कहीं नहीं जाते। यही ना हम लोग कह रहे कि भाई ये तो संरक्षण दिया जा रहा है ना, बिहार में अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है और पूरी तरीके से अपराधी जो है मस्त हो चुके हैं, उनको अब भय नहीं रह गया है किसी भी पुलिस का। और अब पहले भी कहते रहे, जब तक निष्पक्षता से पुलिस के जितने बड़े अधिकारी हैं उनका ट्रांसफर पोस्टिंग ढंग से नहीं होगा, जो काम पे जो अच्छा काम करते हैं उनको अच्छी जगह पे नहीं लाइएगा, तब तक यही होगा।
बिहार में जो ट्रांसफर पोस्टिंग का खेला जो होता है वो सबको पता है। आपकी यात्रा को लेकर ललन सिंह ने कहा है, आपकी यात्रा को लेकर ललन सिंह ने कहा है कि यात्रा पर घूम लीजिए लेकिन मिलेगा ही लड्डू, सिर्फ लड्डू मिलेगा। ये बात, ये कार्यकर्ता संवाद है ना। अब फल देने वाले वो तो है नहीं, फल देने वाले तो जनता होती है, और क्या अपेक्षा की जाए। पहले जब हम लोग तड़प जब उन लोगों का होता है तो गिरगिरा के गोर पकड़ता है कि हमको ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए, ठीक है। दो तीन बार हम लोगों ने कल्याण कर दिया है, बचा दिया है, आपको मतलब है उन लोगों को लेने का, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अब छोड़िए, अब उनके बारे में हम क्या बताएं। दरवाजे बंद है आपके, लैंड सर्वे कोई मतलब नहीं है उन लोगों का आने जाने का। अशोक चौधरी कह रहे हैं कि आपके कई विधायक तो भाजपा के टच में है ना, वो तो भाजपा के आदमी। तो अभी आप नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सुने थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने ये आपने सुना है। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ललन सिंह जो सवाल खड़े कर रहे थे, अशोक चौधरी कह रहे थे कि आरजेडी के कई विधायकों को तोड़ लेंगे, तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। हमने आपको वो तमाम बयानों को सुनवाया है कि किस तरीके से जब दिल्ली से अभी अभी पटना पहुंचे तेजस्वी यादव, बड़ा बयान दे दिया है। देखिए तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलने वाले हैं, तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलेंगे और बिहार के कई जिलों में जाएंगे, तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को भी रखेंगे। पर तेजस्वी यादव अभी अभी पटना पहुंचे हैं, किस तरीके से तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे वो हमने आपको सुनवाया है। पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या महागठबंधन में जाना चाहते हैं? देखिए तेजस्वी यादव ने जो जवाब दिया, कई सवाल भी अब खड़े होने लगे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव साथ, धन्यवाद। पहले जो हम लोगों के साथ थे इनको उस समय अपराधी कहते थे, जब बाहर आए तो मुख्यमंत्री सीएम आवास, मुख्यमंत्री से मिलने गए। पूरी तरीके से बिहार में कोई ऐसा जिला नहीं, कोई ऐसा दिन नहीं जहां मर्डर, लूट, हत्या, रेप, किडनैपिंग, डकैती, यह एक ऐसा दिन नहीं है जहां बैंक की लूट नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री इधर उधर करते हैं, अपने मस्त रहते फिर पस्त हो जाते हैं। कहीं भी जाए भाई, मुख्यमंत्री है, जहां हत्या हो रही है वहां तो मुख्यमंत्री कहीं नहीं जाते। यही ना हम लोग कह रहे कि भाई ये तो संरक्षण दिया जा रहा है ना, बिहार में अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है और पूरी तरीके से अपराधी जो है मस्त हो गए। ललन सिंह ने कहा है कि यात्रा पर घूम लीजिए लेकिन मिलेगा ही लड्डू, सिर्फ लड्डू मिलेगा। ये बात, ये कार्यकर्ता संवाद है ना। अब फल देने वाले वो तो है नहीं, फल देने वाले तो जनता होती है, और क्या अपेक्षा की जाए।